पापा, अब मैं 12th क्लास में आ गई हूँ। मुझे पता है टुनटुनी बेटा। मुझे लगा आपको शायद ध्यान भी ना हो, आप घर पर वैसे भी बहुत कम रहते हो। मुझे अपनी कोचिंग लगवानी है। इतनी सी बात? अरे कड़कनाथ मेरे दोस्त हैं, शहर के सबसे रईस आदमी हैं। उनके अंडर में टूनी कोचिंग सेंटर चलता है, मैं वही बात करके आता हूँ। टुनटुनी के पापा टूनी कोचिंग सेंटर जाते हैं, रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन टुनटुनी के पापा घर नहीं लौटते। पापा कहाँ रह गए? काफी देर हो गई, वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। टुनटुनी और उसकी मम्मी टूनी कोचिंग सेंटर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि क्लासरूम में टुनटुनी के पापा की लाश पंखे से लटकी हुई है। टुनटुनी चिल्ला पड़ती है। टुनटुनी के पापा को किसने मारा? क्या है टूनी कोचिंग सेंटर का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया चिड़िया कोचिंग सेंटर की। टुन्नू का परिवार मुंबई की एक कॉलोनी में रहता था। टुन्नू एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। टुन्नू जी, जब आप काम से वापस लौट कर आएंगे तो मेरे लिए आइसक्रीम लेते आइएगा। टुन्नू काम से लौट कर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ, उदास क्यों हो? स्कूल बंद हो रहा है, मेरी नौकरी चली गई। आप एक कोचिंग सेंटर खोल लो, आपको साइंस पढ़ानी आती है और कोचिंग सेंटर में अच्छी कमाई भी है। मेरी कोचिंग वाली सहेली को देख लो, महीने में लाखों की इनकम है। टुन्नू एक प्लॉट खरीद कर वहाँ अपना कोचिंग सेंटर बनवाता है और उसका नाम रखता है टूनी कोचिंग सेंटर। टुन्नू बहुत मेहनत और लगन से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इसलिए कुछ ही दिनों में उसका कोचिंग अच्छा चलने लगा। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कड़कनाथ सेठ की टूनी कोचिंग सेंटर पर नजर पड़ गई। ये कोचिंग सेंटर अपना हो जाए तो बहुत प्रॉफिट होगा। एक दिन कड़कनाथ टुन्नू के घर पहुँचता है। टूनी कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है? हाँ जी, बताइए। मैं कड़कनाथ हूँ, मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहता हूँ तुम अपना कोचिंग सेंटर मुझे बेच दो, मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर भी रख दूंगा, मैथ्स तुम ही पढ़ाओगे, बस कोचिंग सेंटर मेरे अंडर में चलेगा। नहीं, मैं अपना कोचिंग सेंटर नहीं बेचूंगा। पूरे शहर में मुझे कोई ना नहीं कह सकता, जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए मैं उसे खरीद कर ही रहता हूँ। गुंडे टुन्नू के घर भेज देता है और टुन्नू के पूरे परिवार को मरवा देता है। कड़कनाथ टूनी कोचिंग सेंटर को अपने अंडर में कर लेता है। 2 साल बाद एक टीचर टूनी कोचिंग सेंटर में पढ़ा कर बच्चों की छुट्टी कर देता है। तभी वहां टीचर को दो पक्षी टूनी और टुन्नू की आत्मा बेंच पर बैठी दिखाई देती है। टूनी की आत्मा टीचर का गला घोट कर उसे मार देती है। अगले दिन कड़कनाथ कोचिंग पहुंचता है और सीसीटीवी देखता है, टूनी का पूरा परिवार का भूत टीचर को मार रहा है। अरे ये तो वही टूनी टुन्नू है, लगता है इनकी आत्मा भटक रही है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस टुन्नू और टूनी के परिवार की हत्या की भी जांच करेगी और मुझ पर शक करेगी, इसलिए पुलिस स्टेशन जाना बेकार है। कड़कनाथ एक तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ करवाता है। वो दोनों आत्माएं मेरे पास तो नहीं आएंगी बाबा जी? नहीं, तुम निश्चित होकर सो जाओ। कड़कनाथ रात में बिस्तर पर सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुलती है तो एक कड़कनाथ जालिम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? लालच की वजह से तूने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं, तुझसे बदला लेकर रहूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारा हंसता खेलता परिवार तूने अपने लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। कड़कनाथ अपने कमरे से बाहर भागता है और अपनी कार स्टार्ट करता है। वो कार से तांत्रिक के घर की ओर भागता है। टूनी और उसके पति टुन्नू की आत्मा उसकी कार में आ जाती है। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा, कड़कनाथ तेरा समय आ गया है। कड़कनाथ डर के मारे कार नहीं संभाल पाता और उसकी कार खाई में गिर जाती है। कड़कनाथ मर जाता है। आज भी टूनी कोचिंग सेंटर में टूनी और टुन्नू की आत्मा भटकती है और पक्षी वहाँ जा